प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। सबसे बातचीत करी और जो किनारे के गांव हैं वो जो डूब में आए हैं उनको तकलीफ है, तो क्योंकि पहले उनको वार्निंग कर दी गई इसलिए लोग शिफ्ट भी हो गए, तो फॉर्चुनेटली वो जनहानि नहीं हुई। ये एक बात है, खाली व्यवस्था की बात है जो आपने अभी बताया मेरे को, वो अच्छा फीडबैक है उनको। और हम अभी क्या के जाएंगे, किस प्रकार से और दुरुस्त हो जिससे कि कम से कम तकलीफ में लोग हैं उनको ऐसे वक्त में भोजन की सुविधा ढंग से मिल सके, क्योंकि अभी तो यही बात है, घर पर छोड़ के आ गए वो लोग, सारा सामान घरों में बंद है, वो तकलीफ में है, कैंपों में रह रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेवारी रहेगी कैसे उनके लिए सब व्यवस्था करें, कोई तकलीफ नहीं आए। बाकी किनारे गाँव में जाके आए भी है, कोटा और झालावाड़ बूंदी सब जगह जो चंबल के लगते हुए गाँव हैं वहाँ तकलीफ है, या पानी जो चल रहा है वहाँ पर कोटा बैरेज के बाद में, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बाढ़ बिहार की तरह या आसाम की तरह नहीं है कि पूरा एरिया पूरे गांव डूब गए हों और नावें चल रही हो और तमाम व्यवस्था करनी पड़े, ऐसी स्थिति नहीं है। आराम से स्थिति संभल जाएगी, संभली हुई है और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी सर्वे करवाएंगे उनके लिए, क्या इमदाद मिल सकती है उनको, रिलीफ के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग उनको मदद इमदाद दिलवाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे। सर फसल भी चपेट में आ रही है सर खरीफ की, इसमें वो उसमें आ जाएगी, जब सर्वे होगा तो फसल भी होगी और थोड़े बहुत तो मवेशी भी मरे होंगे उनकी व्यवस्था भी करेंगे, कैसे उनको इमदाद मिल सकती है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई अभी ऐसी खबर नहीं आई, कोई राजस्थान में तो लोग 54 लोग मारे गए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, कोई बिजली से, कोई दीवार गिरने से, कोई बह गए लोग, यहाँ ऐसी नौबत नहीं है। और आप लोग सब मुस्तैद हो, जागरूक हो, मीडिया तो मैं समझता हूँ प्रशासन में उल्टे काम करेगा, ठीक है। धौलपुर से इतना सारा पानी निकल के जा रहा है, इसके लिए कोई प्रोजेक्ट ईस्टर्न कैनाल जो बनाया था उसके लिए क्या प्रोसेस है? ईस्टर्न कैनाल की तो अभी खाली पिछले चुनाव के वक्त में घोषणा हुई थी, अभी ना तो मध्य प्रदेश सरकार की कोई बातचीत हुई है, ना अभी कोई DPR बनी है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी योजना है, और वो उसको कैसे आगे बढ़ाएं हम लोग भी उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर बाढ़ को लेकर कोई राहत पैकेज वगैरह हमें सरकार की? ये तमाम जो पानी की जो आ रहा है अभी भी आवक है, वो जब रुक जाएगा नॉर्मल स्थिति आ जाएगी, सर्वे होगा उसके बाद में फिर पैकेज की बात होगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट।